रामायण को लोग फेक कहानी बोलते हैं। उन लोगों का खुद का बाप दादा का इतिहास तो पता नहीं और फेक बोलने चले। रामायण का इतना सारा रियल लाइफ प्रूफ्स है, फिर भी ये लोग फेक कहेंगे। और ये मुल्ले और ईसाई लोग खुद की मुंह बोली बनाई कहानी सुनाते हैं और उसका कोई रियल लाइफ प्रूफ्स भी नहीं है। तुम लोग अंधभक्त हो क्योंकि तुम लोग हवा में पूजा करते हो ना, तो मस्जिद क्यों चाहिए। और ये लोग अपनी अल्लाह जीसस का मुंह बोली कहानी को गूगल के हेल्प से प्रूव करते हैं। अरे गूगल जो लिखा है उसको सर्च में दिखाता है, लेकिन तुम लोग का रियल लाइफ प्रूफ्स है ही नहीं। अल्लाह जीसस एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये देखो तुम्हारा गूगल क्या दिखा रहा है। हमारे सनातन धर्म में जो है सभी रियल लाइफ प्रूफ्स मिला है और अभी भी प्रेजेंट है। फेक बोलने वाले देख लो, वाल्मीकि जी ने रामायण में जो राम सेतु का जिक्र किया था, नासा के पास उसकी पिक्चर्स है। ये पुल आज भी पिक्चर्स पे देख सकते हैं जो इंडिया से श्रीलंका के बीच में बनाया गया। 30 किलोमीटर लंबा पुल जिसमें तैरती हुई रॉक्स है, और कितना बड़ा प्रूफ चाहिए। अब दूसरा सुनिए, रामायण में जहां जहां हनुमान जी गए वहां पर तो उनके पद चिन्ह मिले हैं। इसके अलावा मलेशिया तक में उनके पद चिन्ह मिले हैं। जिस चार दंत वाले हाथी का रामायण में जिक्र हुआ है उसके भी कंकाल मिल चुके हैं साइंटिस्ट को। रावण के पैलेस भी है, संजीवनी बूटी, द्रोणागिरी पर्वत, सीता जी जहां लंका में रुकी थी, उन सबके सबूत मिल चुके हैं। अभी खत्म नहीं हुआ, दशहरा के बाद दिवाली 20-21 दिनों में आती है। गूगल मैप पर चेक कर लीजिए, अयोध्या से श्रीलंका पहुंचने में इतने ही दिन लगते हैं। और भी रियल लाइफ प्रूफ्स है हमारे सनातन और हमारे भगवान के बारे में जो खत्म ही नहीं होगा। खैर छोड़ो, तुम्हारे अल्लाह या जीसस का कोई भी रियल लाइफ प्रूफ दे दो, होगा भी तो खुद बना लिए होंगे।